ये नुसरत जहां है, इनकी खूबसूरती की काफी चर्चाएं होती रही है। नुसरत पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बशीरहाट से चुनाव जीती हैं। वो बंगाल की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। वो इस बार देश भर में चुने गए 27 मुस्लिम सांसदों में से एक हैं। इस चुनाव में बेशक बीजेपी को शानदार जीत मिली हो, लेकिन खास बात ये भी है कि बीजेपी और सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन से महज एक मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। वो है बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले चौधरी महबूब अली कैसर। हालांकि लोकसभा में मुसलमानों की आवाज भी मजबूत हुई है। इस बार 17वें लोकसभा चुनाव में पूरे देश से 27 मुस्लिम सांसद चुनकर पहुंचे हैं, जबकि 16वें लोकसभा में ये संख्या महज 23 थी। वहीं साल 2014 में उत्तर प्रदेश से जहां एक भी मुस्लिम लोकसभा के चुनावों में नहीं जीत पाया था, अब की वो स्थिति बदल गई है। इस बार सपा और बसपा से कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इस समय मुस्लिम सांसदों का प्रतिनिधित्व संसद में 5% से भी कम है, जबकि देश में कुल जनसंख्या में उनका प्रतिनिधित्व करीब 14% है, जिसकी कुल संख्या 14 करोड़ के करीब है। बीजेपी ने इस बार 6 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी जीत हासिल नहीं की। सत्ताधारी गठबंधन में सिर्फ एक मुस्लिम सांसद लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से चौधरी महबूब अली कैसर है। आपको बता दें कि चुने गए 27 मुस्लिम सांसदों में केवल 2 मुस्लिम महिलाएं हैं। ये दोनों तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर आई हैं। नुसरत जहां ने बशीरहाट से चुनाव जीता है, जबकि उलुबेरिया से साजदा अहमद सांसद बनी है। वैसे पिछली लोकसभा में 4 मुस्लिम सांसद थी। इन मुस्लिम सांसदों में कुछ बेहद चर्चित नेता भी हैं। इसमें आजम खान का नाम शामिल है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा और बीजेपी की उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा को हराया। जो नेता लोकसभा में सबसे ज्यादा मुखर नजर आ सकते हैं, उसमें आजम खान भी होंगे। इसके अलावा AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार 4थी बार चुनाव जीता है। वो सबसे लंबे वक्त तक सांसद रहने वाले मुस्लिम बन गए हैं। ओवैसी हैदराबाद से जीते हैं, जहां उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। गाजीपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुने गए अफजल अंसारी ने एक बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हरा दिया। इस बार सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद चुनने में यूपी नंबर 1 है, तो वहीं उसके बाद बंगाल का नंबर है। बंगाल से 5 मुस्लिम नुसरत जहां रूही, खलीलुर रहमान, साजिद खान और अबू ताहिर लोकसभा में पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर और केरल से 3-3 मुस्लिम MP चुने गए हैं। वहीं असम से 2 AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। और असम से अब्दुल खालिक भी संसद पहुंचेंगे। बिहार के 2 मुसलमान सांसदों में महबूब अली कैसर और डॉक्टर मोहम्मद जावेद का नाम आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 1-1 मुसलमान सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से इस बार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के टिकट से मोहम्मद फैजल PP चुने गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय संसद में सबसे ज्यादा मुसलमान सांसद 1980 में चुने गए थे। इस साल 49 मुसलमान चुनकर संसद पहुंचे थे। वहीं 1984 के चुनाव में भी 45 मुसलमान संसद पहुंचे थे। आजाद भारत में जब पहली बार 1952 में चुनाव हुए, तो 25 मुसलमान सांसद चुने गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल TheZ+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।